नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जितने भी हमारे मित्र हैं जो जुड़ते जा रहे हैं, उनसे निवेदन है शेयर करते जाइए ताकि बाकी लोगों को भी ये पता चलता जाए। कमाल है यार, राम मंदिर के बारे में किसी को बात नहीं करनी, सबको नेपाल और चाइना में ज़्यादा इंटरेस्ट ऐसा लग रहा है। एक काम करते हैं, राम मंदिर का मैटर ड्रॉप कर देते हैं, कुछ दूसरी बात कर लेते हैं, है ना। जय श्री राम सभी को, सभी मित्रों को जय श्री राम। आवाज़ में कोई कमी नहीं रखते कि आवाज़ ना पहुँचे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचे। राम का नाम आते इतनी परेशानी क्यों हो जाती है, इस देश में इतना भूचाल क्यों आ जाता है, सियासी भूचाल ऐसा आ जाता है कि भगवान राम का नाम ले दें तो कुछ लोगों के पेट का पानी हिल जाता है। कुछ लोग इतने परेशान होने लगते हैं, उनको पेट में उनके दर्द होने लगता है। भगवान राम से इतनी नफरत क्यों है? भगवान राम हुए ही नहीं, भगवान राम काल्पनिक थे। राम सेतु नाम की कोई ऐसा कोई पुल था ही नहीं, इसलिए उसे तोड़ दिया जाना चाहिए। ये तो रेत इकट्ठी हो गई इसलिए बन गया। अब रेत से पत्थर बनते, बड़े ब्लॉक्स पत्थर के मैंने आज तक नहीं देखे, है ना। आप लोग भी वहाँ जाइएगा तो स्कूबा डाइविंग करके ज़रूर देखिएगा, है ना। थोड़ा सा चार्ज होता है उसका, ज़्यादा नहीं, 2-1 हज़ार रुपये का शायद होना चाहिए। तो ज़रूर देख कर आइएगा कि वहाँ रेत से बना है या पत्थरों से बना है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे राम मंदिर में रोड़े अटकाने का प्रयास होता है ना, ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम हमारे लाइव में भी आती रहती है, कभी ऑडियो को आ जाती है। तो खैर, बहरहाल हम ये कह रहे थे, जिस प्रकार से राम मंदिर में तमाम रोड़े अटक रहे हैं, लगता है आज हमारे लाइव में भी रोड़े अटकेंगे। कुछ ऐसा ही ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं। तो बहरहाल, शशांक जी का कहना था कि लगातार वेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी आपका, वेट करते हैं आप सब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जितने मित्र वेट करते हैं। तो कुल मिलाकर आखिर राम मंदिर से इतना दर्द क्यों, आखिर राम मंदिर को लेकर, राम को लेकर इतना बवाल क्यों? वी शुड सेलिब्रेट दिवाली ऑन 5 अगस्त, डेफिनेटली डेफिनेटली। सभी चीज़ें जो हैं वो घूम फिर कर राम पर आकर ऐसे रुक जाती हैं, जैसे ऐसा लगता है कि कुछ लोग राम के दुश्मन हैं। इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो राम से दुश्मनी पाले हुए हैं। आखिर क्यों पाले हैं? आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा भगवान श्री राम ने किसी का? लेकिन ये वो लोग हैं जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर तो बन ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, जो लोग कहते थे राम सेतु तो रेत का एक टीला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बहरहाल, अब धीरे धीरे राम सेतु भी आ गए, अयोध्या भी आ गई, सब कुछ आपके सामने है। और जब सब सामने है तब आप कष्ट होता है, जब सारे सबूत आ गए, लोग हार गए। लेकिन बात इतनी भी नहीं है कि चुनाव मतलब आप जो है ये लोग केस हार गए, चुनाव हार गए, इतनी सी बात नहीं। इससे बढ़कर बात, इससे बढ़कर क्या बात है, हम उसको ज़रा उसको आपके सामने लेकर आना चाह रहे हैं। तो और प्रॉब्लम राम मंदिर से नहीं, प्रॉब्लम भगवान राम से नहीं, प्रॉब्लम किसी और चीज़ से। वो प्रॉब्लम क्या है, ज़रा मैं ये आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, और इस प्रॉब्लम को ज़रा आप देखिए और समझिए। और ये बहुत बड़ी समस्या है। आप इस वीडियो को समझें, इससे पहले ज़रा समझाना चाहता हूँ कि ये वीडियो साउथ इंडिया से आ रहा है, और भीगते हुए बारिश में सुदूर दक्षिण भारत से सर पर ईंट रखकर भगवान श्री राम का नाम इसमें लिखा हुआ है, वहीं की लोकल लैंग्वेज में। और ये कौन लोग आ रहे हैं जरा देखिए। भगवान श्री राम पीछे दिख रहे हैं आपको, भगवान श्री राम के साथ में ये तमाम सारे लोग आपको दिख रहे हैं जो बारिश में चल रहे हैं। श्री रामचंद्र प्रभु मल नमेंगे स्वागत करते ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ನ ನಡಿಬೇಕು ಇನ್ನ ನಡಿಬೇಕಂತ. 3 ಡೇಸ್ ಇನ್ನ ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಏನಾನು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ये जो जय श्री राम का जो नारा, ये जो लोग आ रहे हैं जो दक्षिण भारत से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, प्रॉब्लम इससे है। प्रॉब्लम इससे है कि भगवान राम इस देश की आत्मा है। प्रॉब्लम इससे है कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की जब बात करते हैं, तब प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनको ये नहीं देखना, ये नज़ारा नहीं देखना। ये नज़ारा देखते ही, जो पीछे जो भगवान श्री राम है, इनको देखते ही कुछ लोगों के मन में अचानक से कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और बहुत परेशान जब होते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन आपको परेशान और ज़्यादा कर दूँ। अभी मैंने आपको दिखाया दक्षिण भारत, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक नाम है, श्री राम, और वो सबकी जबान पर है।
और ये एक नाम से प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि एक नाम जो है हिंदुओं को एक कर देता है, तो ये सारे लोग एक हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन लोगों ने पूरी जिंदगी मुस्लिम तुष्टिकरण का कार्ड खेलकर वोट ली, उन्हें लगता है जब हिंदू एक हो जाएंगे तो हमको कौन देगा। हम ऐसा नहीं सोचते, आप ऐसा नहीं सोचते, लेकिन वो लोग ऐसा सोचते हैं जिनके मन में पाप है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, दोष उनका है। थोड़ा सा और उनको एक वीडियो और दिखा दूं, थोड़ी सी विचलित और करेगी। इस वीडियो को भी जरा वो ध्यान से देखें। तिते व्रतम करिष्यामि तच्चकेयम तन्मे राध्य ताम इदम अहम अनित्रात सत्यम उपैमि। ये आप जो वीडियो देख रहे थे, ये साउथ अमेरिका की वीडियो है। कहाँ की? अमेरिका, साउथ अमेरिका की वीडियो है। और जहाँ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, न्यूली इलेक्टेड जो चंद्रिका प्रसाद हैं, ये न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है साउथ अमेरिका के, इनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। इसको दोबारा देखिए, क्योंकि पिछली बार आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। एक बार और देखिए, साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट जब शपथ लेते हैं तो कैसे लेते हैं। अते व्रतम करिष्यामि तच्चकेयम तन्मे राध्य ताम इदम अहम। ये आपने देखा किस प्रकार से अमेरिका में भी जब शपथ ली जा रही है, अब वो संस्कृत में हिंदू श्लोकों के साथ में ली जा रही है। परेशानी का सबब यह है, परेशानी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि थोड़ी बहुत परेशानी हो और उसको वो झेल जाने, इतना नहीं है, बहुत सारी परेशानी है। इन तमाम सारी परेशानियों से वो आखिर कैसे कैसे निजात पाए, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपका तोड़ क्या है। क्योंकि अब आप लोग वैश्विक रूप धारण कर रहे हो, क्योंकि अब आप साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट तक पहुँच गए हो। राम से असुरों को ही असुरक्षा महसूस होती है, बिल्कुल। तो राम से प्रॉब्लम जिनको हो रही है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि साउथ अमेरिका में भी अब इसी हिंदुत्व से जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसी हिंदुत्व का साउथ अमेरिका में भी बोलबाला चल रहा है। साउथ अमेरिका में भी यही हिंदुत्व, यही श्लोक, यही संस्कृत, उफ मेरे कान क्यों नहीं फूट जाते सुनने से पहले, यही सब बोला जा रहा है। पर लोगों को जिनको प्रॉब्लम है, उन्होंने तमाम सारी चीज़ें निकाली और सबसे बहुत सारी सब कुछ करने के बाद किसी ने कहा कि अगर राम मंदिर बनेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। 5 तारीख है, शुभ घड़ी है, असुरों का संहार भी हो जाए तो फर्क क्या पड़ने वाला है, तो ये और शुभ हो जाएगी। और ये तो होता है दैवीय कार्य में, असुरी शक्तियां हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से रोड़े अटकाते आए। जब यज्ञ होते थे, महायज्ञ होते थे, तो दानव आते थे, असुर आते थे और उन यज्ञ को भ्रष्ट करने का प्रयास करते थे। तो ये तो आदिकाल से चला रहा है, कोई नई चीज नहीं है। बहरहाल असुर कैसे हैं और कैसे कैसे आपके सामने जो है रोड़े अटकाए जाते हैं। पहले राम मंदिर था कि नहीं था साबित करो, राम ही नहीं थे, राम साबित हो गए तो राम मंदिर नहीं था, राम मंदिर साबित हो गया, कागज दिखाओ। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन तुमसे कागज जरूर मांगेंगे, राम के, भगवान राम के कागज मांगेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, राम ही काल्पनिक है, हटाओ रट्टा खत्म करो। अब राम के चक्कर में लफड़ा हो गया, राम काल्पनिक बोलने पर बवाल हो गया। तो बोले रहे हो तो कोई बात नहीं, सबूत नहीं है, बताओ किधर, अयोध्या में मंदिर निकल आया। बोले कागज लाओ, कागज आ गए, सब चीजें आ गई, 1-to-1, एक एक चीज आ गई। इसके बावजूद लोगों के पेट में दर्द, निर्णय आ गया। पहले तो निर्णय ही लग रहा था कि आएगा पक्ष में, आ गया। अब और परेशानी, परेशानी इस बात की है कि आज भगवान राम को लेकर जो ये जो चली है एक चाल जो चली है हिंदुत्व में, कल ये भगवान झूलेलाल पर आएगी, सिंध भी हम लेंगे वापस, कल ये भगवान महावीर पर आएगी, कल ये तमाम सारे भगवानों पर आएगी। तो प्रॉब्लम इनको वहाँ है जहाँ ये तोड़ तोड़ के जो कुछ कुछ बनाया गया था उससे डर है कि जो बनाया वो तो ठीक है, लेकिन अब वापसी करने की बारी आ रही है, तो अब कुछ लोगों की नानी मर रही है। तो इसमें तमाम सारे रोड़ों के साथ रोड़ा क्या अटकाया गया, मुहूर्त ठीक नहीं है। अब मैं तो बड़े चक्कर में पड़ गया, मैंने कहा मुहूर्त निकाला किसी ज्योतिषाचार्य ने निकाला होगा, मुहूर्त तो यही लोग निकालते हैं, तो जिसने चैलेंज किया वो भी ज्योतिषाचार्य ही होगा। हमने कहा भैया पता करें, पता चला वो तो भैया कोई शंकराचार्य हैं।
भगवा पहनकर भगवा को बदनाम करने वाले इससे पहले भी उल्टे सीधे तमाम सारी चीजें दे चुके हैं। मैं कई बार बोलता हूँ जिसने भगवा धारण किया होगा मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कभी कभी रावण को भी जब आप देखेंगे तो भगवा धारण करके ही आया था। बड़ा जरूरी हो जाता है कभी कभी इनके खिलाफ भी बोलना, बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे जो असुर हैं, जो रावण रूपी असुर हैं, उन्होंने कह दिया कि मुहूर्त ठीक नहीं है, मुहूर्त बड़ा खराब है, चलिए साहब हम मुहूर्त पर आ जाते हैं। जिन्होंने मुहूर्त निकाला ये उनका लेटर है, ठीक है, और ये उनका लेटर बाकायदा वाराणसी से ये निकला हुआ, आप लेटर हेड लें, हाथ हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा श्री गठाय नमः 23/7 को, और 23 जुलाई 2020 के स्थानीय अमर उजाला पत्र में राम मंदिर के मुहूर्त पर द्रविड़ को दी शास्त्रार्थ की चुनौती शीर्षक से समाचार पत्र छपा। इसमें कहा है कि काशी के जोशाचार्य को गणेश्वर द्रविड़ को शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। इन्होंने इस शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार किया है और ये लिखा है, मैंने 22 जुलाई को एक लेख लिखा जिसमें अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, जिसके प्रति साथ भेजी अमर उजाला में उसे छाप सकते हैं। रही बात शास्त्रार्थ की चुनौती की, तो मैं उसे यह स्पष्टीकरण है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के 5 दिनों में भूखा हूँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 5 दिनों से भूखा हूँ। बैजनाथ जी ने मुझे बाहर जाने से मना किया, फिर भी ज्योतिषी श्री अंकित तिवारी सहित काशी के ज्योतिषियों से प्रार्थना है कि जिन्हें आगे पढ़ लेते हैं शास्त्रार्थ करना है वे 24 जुलाई 2020 शुक्रवार को दिन में 12 बजे से 4 बजे के भीतर शास्त्रार्थ के लिए आ सकते हैं। रामघाट स्थित संगवेद विद्यालय शास्त्रार्थ के लिए उनका स्वागत है। संगवेद विद्यालय रामघाट वाराणसी। अब भैया ये ऑप्शन, ये जो बवाल था आखिर ये किसने उठाया, ये जो सारा जो बवाल है ये किसने उठाया, ये शक्ल देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है, ये शक्ल देख लीजिए जरा इनकी, आ हा हा हा, आनंद आ रहा होगा आप, ये देखिए। अब ये स्वरूपानंद जी जो हैं इनको, ये अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, इन्होंने बड़े जोर से बोल दिया समय गलत है। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, पर मुझे इतना बताया गया कि भगवान श्री राम का जन्म भी उसी तिथि में हुआ था जिस तिथि में ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो किसी के जन्मदिन को भी अशुभ माना जा सकता है क्या, मानते हैं क्या, अपने को मानते कि नहीं मानते? शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, आप अपने जन्म तिथि को अशुभ मानते कि नहीं मानते? क्योंकि ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो शायद मानते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं लगातार सोशल मीडिया देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि आपकी जो जन्मतिथि वो अशुभ है, ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने जो उनके कमेंट्स है उससे ऐसा लगता है। तो स्वरूपानंद जी, जिस समय भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हो रहे हैं, जब वो धरती पर आ रहे हैं, वो काल अशुभ कैसे हो सकता है, वो घड़ी अशुभ कैसे हो सकती है? और यदि कोई शास्त्र ऐसा कहता है तो मैं कहता हूं आग लगा दो ऐसे शास्त्र को। जहां भगवान की बात आती वहां तो बात ही खत्म हो जाती है। दूसरी बात, आप तो शंकराचार्य हैं, आप ज्योतिषी तो है नहीं, तो आपने ये कैसे लगा लिया? फिर भी चलिए मान लेते हैं, तब आपने चुनौती क्यों नहीं स्वीकार करी जब चुनौती दी गई आपको, जब ये चुनौती इंटरनेट के ऊपर आराम से सबके सामने पड़ी हुई है, तब ये चुनौती आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट करी? ये चुनौती स्पष्ट रूप से यहां दी गई है कि आप आइए और शास्त्रार्थ कीजिए। शास्त्रार्थ करने में पैंट ढीला क्यों हो गया? सॉरी, पैंट तो पहनते नहीं, धोती ढीली क्यों हो गई भैया? ये धोती ढीली क्यों हो जाती है बार बार? ये कांग्रेस के एजेंट, ये हिंदू द्रोही लोग, भगवा पहनकर भगवे में छेद करने वाले लोग, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले लोग, हिंदुओं के दम पर जिंदा रहकर हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले लोग, तुम्हारी इतनी हैसियत? बाहर निकलिए, जनता आपका इंतजार कर रही है, वो आपका न्याय करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। सर, यू आर वेरी वेल रिसर्च एंड नॉलेजेबल चैनल, वी कीप वेटिंग फॉर लाइव चैनल। थैंक यू सुविधा सूट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस प्रकार के शंकराचार्य, किसके शंकराचार्य? पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के? फोटो बहुत है मेरे पास, मैं दिखाना शुरू करूंगा तो इनको शर्म आ जाएगी। ये लोग कैसे अपने आप को बोलते हैं, और इनका आचरण देखिए। आइए मैं आपको साधु संत स्वामियों का आचरण कैसा होता है, इनका कैसा, जरा वो भी दिखा देता हूँ। गया और कहा राजनीतिक बातें मुझसे मत करो, लेकिन ये व्यवहार कुछ समझ में नहीं आया उनका। राजा का व्यवहार ये नहीं होना चाहिए,
संत होते हैं, सौम होते हैं, परोपकार के लिए होते हैं, प्रश्न पूछने पर थप्पड़ मारना, ये संत की मर्यादा परंपरा और भारतीय सनातन संस्कृति के अनुकूल नहीं। सनातन संस्कृति और आधुनिक कई कवियों का विचार क्षमा वरण को चाहिए, छोटन को उत्पात। ऐसे वृद्ध ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध को क्षमा करना चाहिए था, ना कि ये छोटे बालक जैसे थप्पड़ मारना। सनातन संस्कृति अद्वैत सिद्धांत। आप चलिए, मैं शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ। ये स्वरूपानंद हैं, शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, किसने बनाया हमें तो पता नहीं, और इनकी हरकतें देखिए कि ये पत्रकार को झापड़ मारते हैं। झापड़ मारने वाला क्या होता है? झापड़ मारने में क्या होता है? धारा 323 लगती है। झापड़ मारने वाला कौन होता? अपराधी होता है। कैसे कैसे को बैठा दिया आपने शंकराचार्य बनाकर भाई, ऐ मेरे हिंदुओं, कैसे कैसे को बैठा दिया। समझ नहीं आता मुझे। और ये लोग बैठकर फिर उसके बाद में कहते हैं कि डेट गलत है। हम भी मान लेते हैं डेट गलत है, तो कम से कम आप साबित तो कर दो जाकर कि डेट गलत है। डेट गलत पे जब चुनौती मिलती है तो भाग जाते हो। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद ये होता है, अभी एक मोहरा पिट गया, बुरी तरह से जनता ने नकार दिया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि एक स्लीपर सेल जो होता ना, ISIS का स्लीपर सेल सुना होगा, आतंकवादियों के स्लीपर सेल सुना, और भी बहुत तरह के स्लीपर सेल होते हैं। DNA की रिपोर्ट, प्ली इन इलाहाबाद हाईकोर्ट सीकिंग स्टे ऑन राम टेंपल भूमि पूजन। राम टेंपल का भूमि पूजन, राम मंदिर का भूमि पूजन नहीं होना चाहिए, इसको लेकर स्टे चाहिए। अच्छी बात है साहब। ABP न्यूज देखिए, दोनों में न्यूज को जरा पढ़ने का तरीका समझिए। ABP लाइव उस सेम न्यूज है, लेकिन लिखने का तरीका देखिए। प्ली फाइल्ड इन इलाहाबाद हाईकोर्ट सीकिंग स्टे ऑन राम मंदिर टेंपल भूमि पूजन इवेंट ऑन August 5th एमिड COVID-19। अब ये इनकी, यही इनकी जो मंशा है ना, वो क्लियर हो जाती है। चैनल्स की मंशा क्लियर हो जाती है, लिखने वालों की मंशा बड़ी जल्दी क्लियर हो जाती है, बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं कौन सी विंग वाले, समझ में आ जाता है लेफ्ट विंग वाले कौन से, किसको दर्द हो रहा है, कोविड से दर्द हो रहा है, तो पूजन में किस बात का कोविड। हमने तो आपको नहीं बुलाया, ABP वालों को नहीं बुलाया, हमने तो किसी को भी नहीं बुलाया, तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो? और हमने तो पिछले लाइव में भी कहा था, सब लोग TV पर बैठकर देखेंगे, बुलाया तो किसी को भी नहीं है, तो इतनी परेशानी किस बात की? कोविड कैसे फैल जाएगा? TV पर बैठे बैठे फैल जाएगा या लाइव देखने से फैल जाएगा? तो कोविड फैलने की तो कोई चांस ही नहीं। बहरहाल चलिए, अब इस तरह की बातें करने वाले लोग कैसे हो सकते हैं? हमने आज ट्विटर पर भी लिखा, कांग्रेस के साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राम मंदिर शिलान्यास रोकने के लिए याचिका लगाई, क्या कोई हिंदू राम मंदिर में रोड़ा अटका सकता है? क्या कांग्रेसी हिंदू हो सकते हैं? क्या कोई हिंदू राम मंदिर में रोड़ा अटका सकता है? और ये कांग्रेसी है, रोड़ा अटकाया तो क्या कोई कांग्रेसी हिंदू हो सकता है? गोखले ब्राह्मण होते हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं, अब समझ में आया राष्ट्रवादी और कांग्रेसी ब्राह्मण में फर्क। उसी प्रकार से आपको वो जो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, कुरूपानंद जी, अरे आई एम सॉरी स्वरूपानंद जी, उनमें और बाकी लोगों में भी फर्क नजर आ रहा होगा। ब्राह्मण सरनेम होने से कुछ नहीं होता, यह सिर्फ एक छलावा है। जो हिंदूवादी नहीं वो भला कैसा हिंदू, जो हिंदू नहीं वो ब्राह्मण कैसे, जो राम के काम में रोड़ा अटकाए वो हिंदू द्रोही है। आप ऐसे हिंदू द्रोही नाम के ब्राह्मणों के चंगुल में मत फंसना, ये देश विरोधी बात करते हैं। समझ में आ गया? फिर से बोलूं, सरनेम पे मत जाना, ऐसी फेक ID बहुत सारे बना के बैठे, बहुत सारे आसिफ और बहुत सारे अतीफ हैं जो इस समय शर्मा शुक्ला की ID बनाकर बैठे, उनमें परेशान मत होना, उनके बहकावे में मत आना। ये बहुत तरह की बातें करेंगे, कभी ये मंदिर बन रहा है तो कहते राम मंदिर मत बनाओ। आज इनको आरक्षण की बात फिर से याद आ रही है, ये भूल गए कि सबको आरक्षण मिल चुका है, ये भूल गए, तो इनको वो भी याद दिला दे कि आरक्षण मिल चुका है। बहरहाल पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, इतने सारे पेट में दर्द होने के बाद आखिर क्या हुआ आज, तो ये लीजिए अमर उजाला की न्यूज़ आपके सामने। राम मंदिर अयोध्या, 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज विरोध वाली याचिका। भगवान श्री राम का काम है भैया, ऐसे कैसे रुक जाएगा, ऐसे कैसे रुक जाएगा, कितना कोशिश कर लीजिए कुछ ना होने वाला। पिटीशन बेस्ड ऑन एजम्पशंस, इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसमिसेस साकेत गोखले प्लीज प्ली अंडर अगेंस्ट भूमि पूजन फॉर राम मंदिर। ठीक है साहब, एजम्पशन पर बेस्ड है ये, ऑब्जर्व किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, इतना नहीं। राम मंदिर भूमि पूजन, इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसमिसेस प्लीज सीकिंग स्टे ऑन इवेंट एमिड अनलॉक 2। वहां कोविड लिखा था या अनलॉक 2 लिखा है, आप नियत देख लीजिए चैनल्स की। ये रिपब्लिक वर्ल्ड है, आर भारत है,
इसकी नियत देख लीजिए, ये अनलॉक टू लिखता है, यानी ये पॉजिटिव वाइब्स देता है, वो कोविड लिख रहे थे और ये अनलॉक टू लिख रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क दोनों की भाषा शैली में, भाषा शैली से बहुत कुछ समझ में आता है, समझ में आ जाता है कौन हिंदू द्रोही है और कौन देशद्रोही है, वो साफ समझ में आता है। और बहरहाल प्ली डिसमिस्ड बड़े बड़े से लिखा हुआ। अब सवाल ये कि आखिर ये किसने लगाई, तो मैं नहीं कहता, आप सुन लीजिए साहब, india.com की न्यूज देख लीजिए। राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखले ने राम मंदिर भूमि पूजन के खिलाफ दायर की थी याचिका, हाईकोर्ट ने किया खारिज। अरे लाहौल विला कुवत, ये मैं क्या सुन रहा हूं, ऐसा कैसे हो गया? राहुल गांधी तो ब्राह्मण थे क्या? क्या कौन से वाले थे वो, क्या नाम था उनका? दत्तात्रेय ब्राह्मण। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, ये दत्तात्रेय ब्राह्मण का साथ वाला व्यक्ति जनेऊधारी ब्राह्मण, मंदिर गए थे ना, फोटो खिंचवाई थी, फोटो सेशन करवाया था अच्छे अच्छे कैमरे के साथ में, है ना। तो ये दत्तात्रेय ब्राह्मण जनेऊधारी ब्राह्मण के साथ में, जिनके पापा का नाम फिरोज जहांगीर खान था, तो ये जो दत्तात्रेय हैं, है ना, जिनके दादा, तो ये जो हैं दत्तात्रेय वाले ब्राह्मण, तो ये क्यों रोक रहे हैं राम मंदिर? इनको तो खुश होना चाहिए कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, जनेऊधारी हूँ, मुझे पूजा करने को मिलेगा, भाई खुशी की बात है, कुछ नहीं तो मैं पंडा बन जाऊँगा तो पैसे कमा लूँगा। राजनीति तो वैसे भी नहीं चल रही, आजकल एंटरटेनमेंट का साधन है। आज मैंने एक जगह न्यूज़ पढ़ी, किसी ने बोला लॉकडाउन के बीच रहते हुए राहुल गांधी जी पॉपुलर हो गए, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ गई। हमने कहा हाँ, मजाक की चीज़ें कम है इंटरनेट पर, लोग देख रहे हैं उनको, इसमें क्या बुराई है, एंटरटेनमेंट है भाई, सीरियस कौन लेता है उनको? तो राहुल गांधी जी के करीबी साकेत गोखले ने लगाई याचिका, किसके? राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुपुत्र। कौन सी सोनिया गांधी? वही सोनिया गांधी जिन्होंने आतंकवादी जब मर गए थे ना, उनकी फोटो देख के जो रोने लगी थी, वही राहुल गांधी। कौन? वही राहुल गांधी जो क्या के बोलते हैं कि मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। राहुल गांधी जी आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी तो शादी भी नहीं हुई, मंदिर बन रहा है, खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और जरा देख ले कि आखिर ये कौन है। एक्टिविस्ट हु फाइल्ड PIL अगेंस्ट राम टेम्पल इवेंट एलिजिस थ्रेट फ्रॉम BJP RSS द वीक की न्यूज है, लेकिन भाई साहब फोटो गलत लगा गए। ये है वो साकेत गोखले, आय हाय, सीने से सीना मिल रहा, ओ हो, जरा देखिए, करीबी देखिए, खुशी देखिए राहुल गांधी जी के चेहरे पर। इसी गुर्गे को, इसी स्लीपर सेल को इस्तेमाल किया गया, इसी को इस्तेमाल किया गया राम मंदिर में रोड़ा अटकाने के लिए, लेकिन रोड़ा तो अटका नहीं। अब क्या किया जाए, अब बड़े परेशान। सवाल ये उठता है, क्या ऐसे लोगों को राम मंदिर में प्रवेश देना चाहिए? वो सभी लोग जिन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम दिया, क्या इनको राम मंदिर में घुसने देने की परमिशन होनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये सभी लोग जो लोग खड़े होकर ये कहते हैं कि राम, भगवान राम थे कि नहीं थे, काल्पनिक थे, जो कहते हैं कि राम सेतु नहीं है, जो कहते हैं राम मंदिर, जिन्होंने सबूत मांगे राम मंदिर के लिए, जब खुदाई में से पूरा का पूरा राम मंदिर निकल आया तो परेशान है, जो अभी भी रोड़े अटका रहे हैं, जिन्हें अभी भी इसमें राजनीति नज़र आ रही है, इनको तो अंदर घुसने की परमिशन ही नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मंदिर है, कोई खैरात नहीं है, किसी के बाप की जगह नहीं है, जो मुंह उठाएगा चला आएगा, हमने हर किसी के लिए ठेका नहीं ले रखा, ठीक है ना, इसलिए इन सबको बाहर करना चाहिए। और ये तो वो लोग हैं, किसी ने नीचे लिखा ईद के ऊपर, ये तो वो लोग हैं जो अभी इफ्तार करने जाएंगे साहब, अभी कुर्बानी देने जाएंगे। इन्हें राम मंदिर से प्रॉब्लम है, इन्हें कुर्बानियों से प्रॉब्लम नहीं है। राम मंदिर से अभी और बहुत सारी चीज़ें निकलेंगे, अभी फंडामेंटल निकलेंगे, राम मंदिर निर्माण पत्थर ज़्यादा लग गया, उससे पत्थर से वो जो पत्थर की धूल उड़ी उससे लोगों को प्रॉब्लम हो गई, पॉल्यूशन हो गया, पानी कम पड़ गया, बहुत कुछ होगा, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी राम मंदिर जब बन रहा है, इसी समय कोरोना भी चल रहा है और अभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऐसी भी चरण चाटुकार आएंगे जो कहेंगे देखो राम मंदिर बनने से भगवान राम की इच्छा नहीं थी, या राम मंदिर बनने देखो कोरोना बढ़ गया, तो कोरोना ख़त्म भी हो जाएगा सितंबर में, चिंता मत करो, हाँ वो भी भगवान राम की कृपा से होगा। तो ऐसे तमाम सारे लोग जो ये लगातार ये सोचते हैं कि देश को इस तरह से गुमराह कर लें, इनका पर्पस क्या है मालूम है? इनका पर्पस है देश की आत्मा को मार दो, इनका पर्पस है
राम मंदिर किसी भी तरह से बन ना पाए। आपको समझ में आया 400 साल से क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जो अंग्रेजों के एजेंट थे इन्होंने तब से नहीं बनने दिया, और उसके बाद ये सरकार में आ गए जो अंग्रेजों के एजेंट थे, जो एडविना के पैरों में बैठते थे। फोटो याद है ना? नाम मैं लूँ क्या? आपको पता है ना? हाँ, कौन से वाले? वो कमल वाले, वो जो गुलाब का फूल लगाते थे, वो वाले नेताजी एडविना के पैरों में बैठे हुए ना। तो समझ में आ गया ना आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, तो वो वाले जो अंग्रेज़ों के एजेंट थे जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को मरवा दिया मुखबिरी करके, है ना, वो सारे जो लोग हैं बाद में वो सत्ता में आ गए, उन्होंने तब भी नहीं बनने दिया, चाहते तो पहली बार में बनने देते। ये वो लोग हैं जो सोमनाथ का मंदिर में सरकारी पैसा देने से जिन्होंने मना कर दिया, बोले सरकारी पैसा नहीं जाएगा, सरकार तुम्हारे बाप की है, वो पैसा भी हमारा ही था बे नालायक, वो भी हिंदुओं का ही पैसा था, जिनको तुम अपने सीने पर बैठाकर घूम रहे हो, उन्होंने तो आज तक एक रुपए का टैक्स नहीं दिया, हमारे टैक्स के पैसे से बन रहा था, तुमको क्या कर उसमें दिक्कत हो रही भाई? आज राम मंदिर बन रहा है, उसमें भी कष्ट है, तब सोमनाथ में था। और तो और रोना शुरू हो गए, मोदी जी मत जाना मंदिर के उद्घाटन में, मत जाना, हमारे अब्बा नहीं गए थे, तुम भी मत जाना। तुम्हारा अब्बा नहीं गया इसमें हम क्या करें भाई? मोदी तो जाएगा, देश का प्रधानमंत्री है, हिंदू है, जाना ही पड़ेगा। भगवान राम के मंदिर में नहीं जाएगा तो कब जाएगा? ये तो हमारी किस्मत खराब है कि हम लोग नहीं जा पा रहे कोविड की वजह से। तो बेचारे बड़े परेशान, मोदी जी जाना मत, मोदी जी चले जाओगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, चूड़ियाँ फूट रही हैं, छातियाँ पीटी जा रही हैं, मोदी जी चले मत जाना, तमाम सारे लोग। आखिर इतनी परेशानी क्यों? अमेरिका में तो कोई नहीं रोया कि भैया प्रेसिडेंट जी ये मत चलाओ, कोई नहीं रोया भाई। संस्कृत में श्लोक पढ़े गए, संस्कृत में शपथ ले ली, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, वहां किसी को प्रॉब्लम नहीं। अमेरिका में हिंदू रीति रिवाज से वहां का प्रेसिडेंट साउथ अमेरिका का शपथ लेता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। भारत में शपथ नहीं, राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, सदी की सबसे बड़ी घटना, 400 साल से जिसका इंतजार था, मर गए खप गए हमारे पुरखे, सीने में ये अरमान लिए खत्म हो गए, वो घटना आज होने जा रही है। अब उसमें क्या कहा जा रहा है? मोदी जी मत जाना। क्यों ना जाए भाई? मोदी ना होता तो राम मंदिर बन जाता क्या? इससे पहले भी सरकारें आ गई, सरकारें चली गई, किसने क्या कर लिया, कितने तीरंदाज थे हमने भी देख लिया, तो हमको तो ना बताओ, हम तो एहसान मानेंगे भाई जिसने बनाया उसके, हम तो बिल्कुल एहसान मानेंगे, और जितनी ईमानदारी से बन गया, जितने आराम से बन गया, इसका भी एहसान मानेंगे। और योगी जी ने तो स्पष्ट रूप से अपने भाषण में कहा था, लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, मच्छर भी नहीं मरा। दम होनी चाहिए काम करने की, और जिसमें दम होती है उसे किसी से डर नहीं लगता। तो राम मंदिर भी बन रहा है मित्रों, 5 तारीख को बन रहा है। क्या करना है 5 तारीख को? वो जो झालरे लाए थे ना अपन, हाँ हाँ, जो जो भी हो अभी, जो भी रखी हूँ, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो भी झालर हो, सारी झालर लगा लेना 4 तारीख को, टेस्ट वेस्ट कर लेना चल रही है कि नहीं चल रही, कुछ के पास में पुरानी चाइनीज पड़ी होंगी, बड़ा धोखे वाला माल होता है, तो टेस्ट कर लेना अच्छी तरह जल रही कि नहीं, अपने घरों को सजा लेना, दिए जलाने हैं। और 5 तारीख को कौन से दिए जलाने? तेल वेल के मत जलाना यार, है ना, घी के दिए जला लेना इस बार, अपने रोटी में कटौती कर लेना, भगवान राम के लिए दिए जला लेना, क्योंकि ये राम मंदिर का शिलान्यास कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बड़े अभागे हैं हम कि हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, और पहुँच भी जाते तो ज़्यादा भीड़ हो जाती, वो भी उचित नहीं था। तो आप सबसे मेरा निवेदन, और सबसे एक ही निवेदन, जिस वक्त शिलान्यास हो रहा हो, आप घर में अकेले भी हैं, आप ऑफिस में अकेले भी हैं, तब भी आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक काम करना है, जय श्री राम के नारे गूंजते रहने चाहिए जब तक पूजन हो रहा है, घंटियां बजती रहनी चाहिए, शंख बजते रहने चाहिए। समझ में आ गया? 5 तारीख को क्या करना है? नहा धोकर सुबह फटाफट तैयार हो जाना है, भगवान की पूजा अर्चना करके बिल्कुल रेडी हो जाना है, घंटी शंख और ढोल मंजीरे सब लेकर बैठ जाना है। अकेले हो तो कोई बात नहीं, घंटी ले लेना और जय श्री राम के नारे लगातार लगते रहने चाहिए। टीवी पर सब कुछ लाइव देखेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी, टीवी पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा, हर जगह मिलेगा, तो बस ये लगातार चलते रहना चाहिए। 4 धाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 धाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इतना कर लोगे ना पाप कट जाएंगे, मान लो मेरी बात, घर में बैठकर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में बैठे बैठे पाप कट जाएंगे, तो ये कर लेना, बहुत भला हो जाएगा आप सबका, और आपके घर में बरकत भी बहुत आएगी, भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी रहेगा, यदि आपको कोई बीमारी परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी, और यकीन मानिए भगवान श्री राम यदि
ये मंदिर बनने के बाद इस भारत की भव्यता को भी आप देखेंगे और भारत जिस तरह से आगे बढ़ेगा उसको भी आप देखेंगे। मेरे शब्द आप सबको याद रहेंगे, इसको याद रखिएगा। मैं भी जो बोलता हूँ ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये वो बुलवाता है, उसको याद रखिएगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, आप कुछ भी नहीं हो। भगवान जिस दिन चाहेंगे लाइव पे चलते चलते जबान पर लकवा मारेगा, धड़ाम से गिर पड़ेंगे, ये कैमरा यहीं रह जाएगा और आप सब देखते रह जाएंगे ये क्या हो गया। तो जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है, उस पर विश्वास रखिए। और 5 तारीख को ध्यान रहे, बार बार बोल रहा हूँ, दिवाली मनानी है, जोर शोर से मनानी है, तो इसको याद रखिएगा सब लोग, कोई भूलिएगा नहीं। पूजा जिस समय हो रही है वो विशेष मुहूर्त है, उसमें आप सब अपने घर में, अपने अपने घरों में, अकेले हैं ना, ऑफिस में अकेले हैं, कोई बात नहीं, शंख है, घंटी है, कुछ नहीं तो जय श्री राम नारे लगते रहना चाहिए। हर ऑफिस से आवाज़ आनी चाहिए, हर दुकान से आवाज़ आनी चाहिए, हर गली मोहल्ले से आवाज़ आनी चाहिए, हर घर से आवाज़ आनी चाहिए। और ये होना चाहिए, ये सिर्फ कहने की बात है, ये करना चाहिए। अपने अपने वीडियो बनाकर डालिएगा, छोटे छोटे वीडियो बनाकर डाल, बच्चों के डालिएगा। मैं चाहता हूँ बच्चों को ये संस्कार ज़रूर मिले। छोटे छोटे आपके घर में बच्चे होंगे, उनको ज़रूर उस दिन पूजा कराइएगा, उनको ज़रूर लाइव दिखाइएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भावी पीढ़ी है। हम तो अनपढ़ निकल गए, हमारे बच्चे अनपढ़ नहीं निकलने चाहिए। और ये जो 5-5 रुपये की डिग्री आप लोग प्रिंट आउट ले आते हो ना, मेहरबानी करके इसको पढ़ा लिखा मत बोला करो मेरे सामने, मैं इसको पढ़ा लिखा नहीं मानता। ये 10 रुपल्ली का कागज़ ना अपनी जेब में डालो, हाँ वेद पुराण कुछ आते हो तो बात करो, तो उसको पढ़ा लिखा मानता हूँ, ठीक है। तो मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं मुझे पढ़ा लिखा नहीं। शुक्ला जी, शरद पवार ने भी रोड़ा अटकाया एजेंट, वो भी है बिल्कुल, क्यों नहीं, जिसने रोड़ा अटकाया वो सभी एजेंट है। अगर मैंने अटकाया तो मैं भी हूँ, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। भगवान राम के काम में जो रोड़ा अटकाएगा वो ऐसा ही है। वेंकटेश जी कहते हैं, सर कपिल सिब्बल हैड सेड ही विल कमिट सुसाइड इफ राम मंदिर डन, नाउ वी हैव टू सी व्हेन ही कमेंस। सर शुरू में ही बोल दिया, 5 तारीख का बहुत शुभ मुहूर्त है, जो कोई चाहे वो शुभ मुहूर्त में बहती गंगा में हाथ धो सकता है। तो बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, ठीक है। दिए घी के जलने हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, है ना। थोड़ा सा तो कटौती करना सीखें यार भगवान के लिए हम लोग, कि नहीं जिसने सब कुछ दिया अगर उसी को तेल के घी दिए जलाने हैं, और वो भी उस दिन सदी की सबसे बड़ी घटना पर, तो लानत है, है ना। हम प्रयास करेंगे, हम सब प्रयास करेंगे अपनी तरफ से, और जितनी असुरी शक्तियाँ थी सब परास्त हुई। भगवान श्री राम को हराने का प्रयास था वो परास्त हो गया, हिंदुओं को हराने का प्रयास था वो परास्त हो गया, जो आपके अंदर के मोराल को तोड़ने का प्रयास था वो भी परास्त हो गया। तो बहरहाल सब कुछ आप सबके सामने है, लोग वो कल्प्रिट्स भी आपके सामने हैं जिन्होंने ये सब किया। बहुत सारे लोग इसमें राजनीति देख रहे हैं, देखिए हम इसमें राजनीति नहीं देखते, हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए ये कतई विषय नहीं है कि किस पार्टी ने किया किसने नहीं किया। हमें खुशी होती कि सारी पार्टियाँ आती और ये कहती कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, हमें बड़ी खुशी होती। लेकिन अफसोस कुछ पार्टियों ने, कुछ नेताओं ने ये फोटो अप कराने अभी फिर से आएंगे, या आएंगे खाली तस्सल लेकर प्लास्टिक वाला फोटो खिंचवाएंगे कि मैं राम मंदिर में गया, लेकिन असलियत इनके दिल में इतना पाप है, इतना काला है। जहांगीर फिरोज जहांगीर की जो औलादें हैं इनके मन में बहुत पाप है, और वो पाप दिख रहा है कि स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया जाता है कि जाओ राम मंदिर जाकर रोको। जिस प्रकार से स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया जाता है जब कहीं आतंकवादी हमला करना होता है, उसी प्रकार से ये बौद्धिक हमला जो है, ये भगवान राम का मंदिर रोकने की जो साजिश है, इसमें भी स्लीपर सेल एक्टिवेटेड है और स्लीपर सेल लगातार काम कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत क्लियरली समझ में आ चुका होगा कौन क्या कर रहा है इस देश के अंदर। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सब 5 तारीख को विशेष रूप से सारे काम छोड़कर सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाएंगे और भगवान श्री राम की आराधना में रहेंगे। और उस दिन दिवाली मनानी ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आप सब थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि दिवाली इस बार हमारी दिवाली पर नहीं, 5 अगस्त को आने वाली है, और 5 अगस्त को मना लीजिए और दिवाली, और रामराज्य आएगा। बिल्कुल सही बात है, रामराज्य फिर से आएगा, और भगवान राम का जो ड्यू था इतने सालों से वो अब, मतलब कितने कमाल की बात है, जिनसे पूरी सृष्टि चल रही है उन्हीं के लिए लड़ना पड़ा, उन्हीं को लड़ना पड़ा, रामलला विराजमान को लड़ना पड़ा। सोचिए आप, उस समय भी मैंने लाइव किए थे, तभी भी मैंने कहा था, जिस समय ये डिसीजन आने वाला था उससे एक रात पहले, और तब मैंने कहा था कि इसमें रामलला विराजमान, खुद भगवान श्री राम इसमें पार्टी हैं, तो हारने का सवाल नहीं उठता। और जब आपके मन में श्रद्धा होती है, जब आपके मन में ये होता है कि हाँ मुझे भगवान में विश्वास है, तो वो सब कुछ होता है जो आप चाहते हो, जो आप सपनों में सोचते हो वो भी होता है, वो सब कुछ होता है। तो मित्रों, ये था एक छोटा सा लाइव, आप सब इसमें जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप सबके सामने बार बार लगातार
इसी प्रकार से मुद्दे लाते रहें और जो इसके पीछे हैं उनका पर्दाफाश भी लगातार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यूपी में रामराज्य आ चुका है कहना है सुभाषीष जी का। सर रामराज्य तो अभी आएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो शुरुआत है। और जाने से पहले एक मिनट रुक जाइए, जाइएगा मत। जाने से पहले जो 1100 लाइक है ना और जो 2100 लोग देख रहे हैं, तो ये ज़रा गड़बड़ है, इसको ज़रा ठीक कर लीजिए। 2100 लाइक कर दीजिए तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। और तमाम सारे उन मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया, और इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। जल्दी ही हम कुछ और मुद्दे भी आपके सामने लेकर आने वाले हैं और जल्दी ही कुछ और बदलाव भी करने वाले हैं जो आप सबको दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।